और अब बात करेंगे गणित की अनोखी पाठशाला की। अब तक आपने कई गार्डन की सैर की होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अनोखे गार्डन की सैर कराने जा रहे हैं जहां बच्चे गार्डन से गणित सीख रहे हैं। उस गार्डन का नाम भी मैथ्स गार्डन है। इस गार्डन में क्या है खास और यहां बच्चे कैसे सीख रहे हैं गणित, देखिए इस रिपोर्ट में। गणित एक ऐसा विषय है जिससे कई बच्चे दूर भागते हैं। गणित की गुना भाग में जिंदगी फंस जाती है। जब बचपन से थोड़ा आगे निकलते हैं तो उनके सामने त्रिकोण, आयत और सर्कल होते हैं, जिसे समझना उनके लिए साफ सीढ़ी जैसा होता है। लेकिन इन पहेलियों को सुलझाने के लिए और बच्चों में गणित विषय को आसान बनाने के लिए एक गार्डन बनाया गया है जो कोरबा में है। इस गार्डन को देखिए जहां मैथ के हर साइन नजर आएंगे। ये गार्डन देखकर आप भी अचंभित हो गए होंगे। अब तक गार्डन का नाम जहन में आते ही झूले, मौज मस्ती, मनोरंजन लेने की जगह हम समझते थे, लेकिन ये ऐसा गार्डन है जहां मस्ती के साथ पढ़ाई आसान होती है। ये है कोरबा के स्याही मुड़ी में संचालित शासकीय हाई स्कूल के मैथ्स गार्डन। प्रकृति के साथ बच्चे आसानी से गणित सीख सके, इसके लिए गार्डन की क्यारियों को त्रिकोण, आयत और गोलाई की आकृति प्रदान की गई है। रोपे गए पौधों में गणित के सूत्रों को लटकाया गया है। इससे बच्चे क्यारी का क्षेत्रफल, पौधों की मोटाई आदि माप सकते हैं। बच्चे भी मानते हैं कि उनकी पढ़ाई को ये गार्डन आसान बनाता है। गणित को कठिन सब्जेक्ट कहा जाता है क्योंकि लोग इसे ध्यान से नहीं पढ़ते, नहीं समझते। और हमारी गार्डन में कई तरह की आकृतियाँ बनाई गई है जो कि हमारे पाठ में है। सूत्र के माध्यम से हम इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ त्रिभुज, न्यून कोण, समद्विबाहु त्रिभुज, कई सारी वृत्त बनाई गई हैं, कई सारे आयत बनाए गए हैं। इस गार्डन को देखकर बच्चे दो एक नहीं बल्कि दो सीख ले रहे हैं। एक तो गणित जैसे कठिन विषय को आसानी से समझ रहे हैं, तो दूसरा पर्यावरण की जानकारी भी मिल रही है। गणित के साथ बच्चे पर्यावरण संरक्षण के भी गुण सीख रहे हैं। वहीं स्कूल प्रबंधन ने बच्चों के लिए इको क्लब का गठन किया है जो खेल खेल में पाठ्यक्रम से जुड़े शिक्षक को आसान बनाता है। शिक्षकों ने स्कूल के उद्यान को मैथ्स गार्डन का स्वरूप दिया है। कल तक जो बच्चे मैथ्स से दूर भागते थे, वे बच्चे गार्डन में आकर आसानी से गणित सीख रहे हैं। हमारे जीवन में जो पर्यावरण है वो उसका तो बहुत अधिक महत्व है, और स्वच्छ पर्यावरण। तो स्वच्छ पर्यावरण के लिए तो हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं। हमारे बच्चे वृक्षारोपण का कार्य करते हैं, इको क्लब है हमारे यहाँ। तो इस साल हम लोगों ने सोचा कि हम इको क्लब के माध्यम से कुछ नवाचार करें। तो ये हमारी गणित प्रभारी हैं प्रभा साव मैडम, और हम लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि कुछ नया करें, और इस प्रकार इस परिकल्पना हुई गणित गार्डन की, मैथ्स गार्डन की। ये प्रयोग बताते हैं कि अगर आप बच्चे की रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाई करवाने का तरीका अपनाते हैं तो बच्चे अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा करेंगे। ऐसे प्रयोग हमेशा लोगों को प्रभावित करते हैं। स्कूल के द्वारा उठाया गया ये कदम पर्यावरण के संरक्षण से लेकर गणित को आसान बना रहा है। फॉर्मूले को समझने से लेकर कठिन मैथ्स के हल बच्चे आसानी से कर रहे हैं। अब्दुल असलम, न्यूज 18, छत्तीसगढ़, कोरबा।